संशोधन बिल ला सकती है। इसके लिए वक्फ संपत्तियों में अवैध कब्जे से जुड़े राज्यसभा में पहले पुराने बिल को वापस लिया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में दोपहर करीब 12 बजे वक्फ संपत्तियों से जुड़े बिल द वक्फ प्रॉपर्टीज एविएशन ऑफ ऑथराइज्ड इक्विपमेंट बिल 2024 को वापस लेने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस बिल को 18 फरवरी 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इस बिल को वापस लेने के बाद सरकार वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। तो आज का दिन बहुत अहम होने वाला है और आज का जो सत्र है वो उससे भी ज्यादा अहम होगा। आज पेश हो सकता है लोकसभा में बिल 40 से ज्यादा संशोधन की तैयारी में है सरकार और आज देखना होगा कि माहौल संसद का कैसा रहता है, विपक्ष क्या इसका विरोध करेगा और उनका क्या रुख इस पर होने वाला है और क्या अहम बातें इस बिल को लेकर सरकार की तरफ से संसद में रखी जाएंगी। तो उधर जबलपुर हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानने से इनकार कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI की ओर से वक्फ बोर्ड की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ASI के तर्कों को सुनने के बाद वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई और कहा कि मुगल बादशाह शाहजहां की बहू का मकबरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये इमारतें इस तरीके से नहीं ली जा सकती हैं और अब कोर्ट की तरफ से भी इनकार किया गया है मानने से। निर्णय लिया कि इसको चैलेंज किया जा सुप्रीम हाईकोर्ट में। इस आदेश को हाईकोर्ट ने चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने आर्बिट्राइज की पिटीशन अलाउ कर दी 26/7/2024 को और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है और वह बोर्ड का ऑर्डर निरस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आज ढेबर की पेशी होगी। अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी की पेशी होने वाली है। ढेबर और त्रिपाठी को मेरठ से रायपुर लाया जा रहा है। सड़क रास्ते से वैन से ईडी रायपुर लेकर आ रही है। कल दोनों को ही रायपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा।